आज का खाना चाची जी ने अपने हाथों से बनाया है। मेरी तो खुशबू से ही भूख दुगनी हो रही है। तो समधन जी, दिखाइए अपने हाथ का जादू। मेरा मतलब है आपके हाथ का खाना जरूर खास बात होगी। इसमें क्या है? चने की दाल, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और कुछ मसाले हैं। अम्मा, जी 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 जी, लहसुन। लगता है आज बहुत हालत खराब होने वाली है माची की। पेट क्या हुआ बहन जी, आप ठीक तो है ना? चक्कर सा आ रहा है, आते उलट 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 हो रही है मेरी। अम्मा अम्मा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आ नहीं नहीं, देखती हूँ थोड़ी देर। हाँ नहीं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है बहन जी को? इसकी वजह आप हैं। दीदी का धर्म भ्रष्ट कर दिया आपने। पता नहीं है क्या, इस घर में लहसुन खाना और लाना दोनों पाप है। और ये उलझुल बनाने से पहले आपको पूछना तो चाहिए था। माँ, आपकी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हो गया आज इस घर में। बस करो बच्चों, बस करो। इसमें समधन जी की क्या गलती है? गलती तो हुई है बहन जी हमसे, हमने पूछा ही नहीं, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल हमें पता ही नहीं था कि आप लोग। मुझे मुझे पता है समधन जी कि आपको पता नहीं था, पर कनु और पूनम ने तो आपको बताना चाहिए था, ये इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन चाची जी ने पूछा ही नहीं, तो मुझे लगा उन्हें पता होगा। हमें माफ कर दीजिए, सब हमारी गलती है, हम माँ को बताना भूल गए। दिनेश, अरे कहाँ मर गया, इधर आओ ना। जी मालकिन। तुमने इन्हें बताया क्यों नहीं कि इस घर में लहसुन मना है? लेकिन मैं तो मालकिन। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जबान लड़ाते हो। अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो फिर आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इस घर में दिखाई नहीं दोगे तुम। बस समझ में आ रहा है कि तुम अपना बचाव कर रही हो? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी इन्हें बताने की? हमें माफ कर दीजिए, हम अगली बार ध्यान रखेंगे इन चीजों का। आपने कोई जानबूझकर थोड़ी किया है जो आप अपने को इतना दोषी महसूस कर रही है? समधन जी, माझी बिल्कुल सही कह रही है। आपकी भावना तो बस यही थी कि आप अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाए। कितने प्यार से और शौक से बनाया था आपने ये सब खाना, पर अब इस खाने का क्या करें? हे भगवान। समधी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुखिया हैं,
आप ही तय करें कि क्या करना है। जी, ये सारा खाना बाहर फेंकवा दीजिए बहन जी। खाना को बनाने के लिए जिस सामान और बर्तन का इस्तेमाल किया गया है उसे अच्छी तरह से धो भांज कर रख दीजिए। हाँ, रसोई घर को भी बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद पूनम और कन्नू बिटिया दोबारा खाना बनाएंगे। ठीक है, समधी जी ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। बच्चों, अरे मेरे वाला चखना लाए हो कि नहीं? उसे खाते समय आज मुझे ऐसा आनंद मिलने वाला है ना बच्चू कि क्या बताऊं। बिल्कुल सही दीदिया, जो स्वाद तुम्हारे चखने में आ जाने वाला है ना वो पहले कभी नहीं आया होगा, क्योंकि तुमने उसमें अलग से मसाला जो मारा हुआ है। ये पकड़ो। आ गया। अगर तुम ना होते ना बच्चों, तो मेरा ये लसन खाना ना जाने कितने साल पहले बंद हो जाता, मेरी ये सासू माँ जी की वजह से। मजा आ गया बच्चों। ढेरे की अकल नहीं तुम्हें? इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, फिर क्यों चिल्लाए तुम उन पर? दीदी अब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, नहीं माफ करूंगी मैं, बिल्कुल। अम्मा। हाँ आकाश। अम्मा मैं माजी की तरफ से माफी मांगने आया। वो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने अनजाने में ये कर दिया। ये क्या मैं जानती नहीं बेटा? कोई बात नहीं, दरअसल मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, पर मैं जानती थी कि सच में वो ये बात जानते नहीं थे, इसीलिए तो समधी जी ने सारा खाना फेंकवा दिया ना। मैं जानता था अम्मा कि आप ये बात जरूर समझेंगी। क्यों नहीं, आखिर अम्मा किसकी हो। मामा जी, आपको कोई महक नहीं आ रही, मतलब बदबू नहीं आ रही है? बदबू? हाँ, अब बदबू, बदबू तो पूरे घर में आ रही है आकाश। लहसुन में जो खाना बना था तो दीदी ने मेरे अनजाने में खा लिया था। धर्म भ्रष्ट हो गया मेरा। जब तुम्हारे बाबूजी आ जाएंगे ना, तब गंगा स्नान करूंगी, शुद्धि हो जाएगी तब मेरी। हाँ, वो पूनम जी कल लखनऊ जाकर घर देखने की बात कर रही थी, और उसके लिए उन्होंने लखनऊ के एक एजेंट को भी फोन कर दिया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई आकाश, जाओ जल्दी जाओ, तुम कुछ करो।
अरे पूनम को पता चल गया कि उसके माँ बाप की हालत ऐसी है तो क्या गुजरेगी बेचारी पर। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। हाँ जो भी करना है जल्दी करो। अरे बच्चों तुम्हें पहले से ध्यान क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं दरवाजा पहले बंद कर दिया तुमने? दीदी अब हम भूल गया था, अब आप चिंता मत करो, अब सब ठीक है। सब ठीक है कहाँ ठीक है, निकालो वो सब। दीदी लो, तुम्हारी तरकीबें अभी तक लन टॉप साबित हुई है दीदी। फिर भी ये बुढ़े बुढ़िया शनि की साढ़ सती की तरह कब तक यहाँ जमे रहेंगे? निकलेंगे बच्चों, आकाश ने शादी पूनम से की है, उसके माँ बाप से नहीं। तो फिर क्यों मैं अपने मखमली शामियाने में ये दो टाट के पैबंद सहन करूंगी? निकाल के बाहर फेंक दूंगी मैं इन्हें। लेकिन सब कुछ बहुत दिमाग के साथ करना होगा, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई मुझे बुरी समझे। हाँ इसलिए मैं ऊपर से इन भीखमंगों पर हमदर्दी जताऊंगी, और असलियत में मैं इनका जीना ऐसे मुश्किल कर दूंगी इस घर में कि खुद ही मजबूर होकर यहां से दफा हो जाएंगे। लेकिन कब दीदिया कब? कल रात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।